एक्सपो 2020 जैसा एक बड़ा आलमी इवेंट बस शुरू हुआ चाहता है। ये इवेंट हमेशा याद रखा जाएगा और लोग इस इवेंट की हमेशा बातें करते रहेंगे, और जो लोग इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे वो भी फख्रिया बताएंगे कि वो दुबई एक्सपो 2020 में शामिल हुए थे। दोस्तों, दुबई भी इस मेगा इवेंट को लोगों के लिए यादगार बनाने के लिए ऐसे इकदाम कर रहा है जो हमेशा लोगों की याद से जुड़े रहें, और ऐसी ही एक कोशिश दुबई एक्सपो 2020 पासपोर्ट का इजरा है, जिसे सिर्फ 20 दिरहम के इवज हर कोई हासिल कर सकता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस सोलर से फायदा उठाएं और एक यादगार के तौर पर इस एक्सपो पासपोर्ट को हासिल कर लें। तो हमने भी दुबई एक्सपो की वेबसाइट पर इसका ऑर्डर दिया और सिर्फ 3 दिन में ये पासपोर्ट अमेजोन की जानिब से हमारे डोर स्टेप पर डिलीवर कर दिया गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये पासपोर्ट है कैसा और इसमें क्या क्या फीचर्स शामिल हैं। अगर आप इस पासपोर्ट के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड की है और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्सल आज ही हमें अमेजोन डिलीवरी की जानिब से रिसीव हुआ है और इस एनवेलप को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। इस एनवेलप में से ये एक पेपर निकला है और देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये है एक्सपो 2020 जहां पर हो रही है वहां उस प्लेस का ये मैप है, और नीचे वो तमाम कंट्रीज जो एक्सपो 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनके कंट्रीज के नाम और फ्लैग्स हैं उनके। ये मुख्तलिफ कलर्स मुख्तलिफ चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। अब ये देखिए कि ये पासपोर्ट का एनवेलप है, इसके अंदर सिर्फ एक पासपोर्ट है और लोकली मेड यूएई लिखा हुआ है, यानी ये दुबई में ही इस पासपोर्ट को बनाया गया है। ये पासपोर्ट का फ्रंट है, जवाजुल सफ़र यानी पासपोर्ट इसे कहते हैं हम, और ऊपर दुबई एक्सपो 2020 लिखा हुआ है। अब इसका स्टफ़ देखें, स्टफ़ बड़ा ज़बरदस्त है, ये वैक्सीन कह लें इसे और या लेदर कह लें, ये बड़ा अच्छा स्टफ़ है। बैक साइड पे एक्सपो 2020 का लोगो भी है। अब ये फर्स्ट पेज है जहाँ पर अरबिक में और इंग्लिश में वेलकम नोट लिखा हुआ है, और नीचे बारकोड भी है, और ऊपर दुबई एक्सपो का ट्रेडमार्क है। अब ये लैमिनेटेड पेपर है, इसकी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं कि ये आपने अपनी डिटेल कैसे फिल करनी है, आपने पिक्चर कैसे यहाँ पर पेस्ट करनी है, और ये देखिए नाम है, फर्स्ट नेम है, सर नेम है, नेशनैलिटी है, डेट ऑफ इशू है, प्लेस ऑफ इशू है, और वैलिडिटी डेट है जो कि 6 मंथ है। यहाँ पर पिक्चर लगेगी आपकी जहाँ पर मैंने उंगली रखी हुई है, यहाँ पर पिक्चर अपनी गम से पेस्ट करेंगे, और फिर ये पेज आप यहाँ से उखाड़ देंगे, आगे वाला जो पेज है वो लैमिनेटेड है, इसको आप इसके साथ चिस्पा कर देंगे, यानी ये पेज नेक्स्ट पेज के साथ पेस्ट हो जाएगा, तो ये एक लैमिनेटेड हो जाएगा, पूरा एक फ्रंट आपका बन जाएगा। तो ये सब कुछ आपने खुद करना है, पासपोर्ट जब आप ऑर्डर करेंगे तो इसके ऊपर हर चीज़ खाली होगी। ये देखें, ये इसका हर पासपोर्ट का एक इंडिविजुअल नंबर है, आइडेंटिटी नंबर आप इसको बोल सकते हैं। हर पेज के ऊपर कुछ ना कुछ इन्होंने इम्बोज भी किया हुआ है, कोई ना कोई पिक्चर लगाई हुई यूएई के दुबई के हवाले से, ये आप देख सकते हैं। हर पेज के ऊपर नंबरिंग भी है, जैसे ये नंबर 3 है, नंबर 4 पेज है, ये 50 पेजेस का ये पासपोर्ट है। बुर्ज खलीफा भी है, और ये आगे हर पेज के ऊपर यूएई और स्पेशली दुबई के हवाले से कोई ना कोई इन्होंने अपना वो जो सिंबल है इनका, वो इन्होंने यहाँ पर इसको इम्बोज किया है इसको, और ये बड़ा अच्छा स्टफ़ है इन पेपर्स का, मुख्तलिफ कलर्स हैं इसमें, और ये फिर वो जैसा चार्ट था वैसा ही पासपोर्ट के ऊपर भी इन्होंने जो एक्सपो 2020 प्लेस है उसको, उसका मैप दिया है, मुख्तलिफ कलर्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँगा, उसमें तफसील से बताऊँगा आपको कि ये क्या चीज़ें हैं और इन कलर्स का मकसद क्या है और ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। इसको विजिटर मैप है ये, एक्चुअली एक्सपो विजिटर मैप जैसा कि आप देख सकते हैं अरबिक में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये पिक्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट पिक्चर है, ये जो जिन्होंने यूएई के जो फाउंडर हैं शेख जायद हैं, ये उनकी पिक्चर है, और ये यहाँ का जो नेशनल बर्ड है इनका, ये उसकी पिक्चर है, और इसमें कलर जो है वो आप देखें गोल्डन कलर में है। और इसके बाद ये देखें आप, फिर इन्होंने ये मुख्तलिफ जो एक्सपो 2020 के बड़े स्पॉन्सर हैं, ये उनके सारे लोगो हैं, उनके नाम हैं, और ये इस तरह आप देखें बैक साइड पे पासपोर्ट की एक्सपो 2020 लिखा हुआ है, उसका ट्रेडमार्क।
इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग भी जान पाएं कि ये पासपोर्ट किस तरह नज़र आता है। तो आज पासपोर्ट ये रिसीव हुआ तो मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आप लोग भी इसको हासिल कर पाएं, और फिर इसको फिल कैसे करना है, इसमें क्या क्या डिटेल आपने इनपुट करनी है, वो तमाम मैंने इस वीडियो में तफसीलन बता दिया है। और मेरे ख्याल में हर किसी को ये पासपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए एक यादगार के तौर पर। सिर्फ 20 दिरहम इसकी प्राइस है, डिलीवरी फ्री है। तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो 10 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे अमेज़ोन वाले, और आपको पासपोर्ट आपके डोरस्टेप पे प्रोवाइड कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक लग्जरी है, एक यादगार है, और ये पासपोर्ट हमेशा आपके पास रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा कि दुबई में एक एक्सपो हुई थी इंटरनेशनल, और आप इस एक्सपो का हिस्सा भी बने थे, और ये पासपोर्ट आपने उसी वक्त लिया था। तो ये एक यादगार है जो आपको हमेशा इन चीज़ों की याद दिलाता रहेगा। तो आपको ये पासपोर्ट लाजमी लेना चाहिए। और इस पासपोर्ट के बेनिफिट्स भी हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं कि इस पासपोर्ट को हासिल करने का क्या फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, या मज़ीद पासपोर्ट के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।